नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाली आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आम्रखंड। आम्रखंड बनाने के लिए हमें चाहिए पानी निथरा हुआ दही 200 ग्राम, 200 ग्राम मीठे आम के पल्प, 150 ग्राम पिसी हुई चीनी, केसर गार्निशिंग के लिए और काजू गार्निशिंग के लिए। हमने 1 लीटर दही को एक कपड़े में रख कर और इसे पूरी रात रख दिया है। आप चाहे तो इसे लटका भी सकते हैं। हमने इस पतीले के ऊपर छन्नी रखा है और छन्नी के ऊपर कपड़े में दही रखा है। पतीला इसलिए कि उसकी सारे दही के पानी पतीले में निकल जाए और दही पूरी तरह से सूख जाए। आप देख सकते हैं दही पूरी तरह से सख्त हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हम इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम आम के पल्प को छन्नी में इस तरह से निकाल कर छान लेते हैं ताकि इसमें के सारे रेशे बाहर निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी। चीनी को आप आम के मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आम ज़्यादा मीठे हो तो चीनी को कम ही रखें। और अब हम चम्मच की हेल्प से इसे स्मूथ करेंगे, इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा और फेंटते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसे छन्नी में छान कर स्मूथ करेंगे। छन्नी से छानने के बाद दही काफ़ी स्मूथ हो जाता है, क्रीमी हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दही एकदम क्रीमी हो चुका है। आप चाहें तो आम्रखंड को मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, वो काफ़ी जल्दी बन जाएगा। और अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं केसर और काजू से। आम्रखंड को हम श्रीखंड भी के नाम से जानते हैं, जिसे मैंगो फ्लेवर श्रीखंड के नाम से मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। और इसे आप घर में बनाइए, बहुत टेस्टी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।